मैं ज्योति पारिक प्रस्तुत कर रही हूँ हुबनाथ जी की एक कविता फरमान। सुल्तान का फरमान है सल्तनत के खासो आम को, हाकिमो हुकाम को इत्तला दी जाती है कि सभी बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सभी अपने माथे के बीचों बीच अपना नाम अपना मजहब मजहब का फिरका फिरके की तफसील मोटे हर्फों में नए महीने की शुरुआत से पहले जरूर गुदवा लेंगे। गुदवाई का खर्च आली जहां सुल्तान के खजाने से चुकाया जाएगा ताकि रियाया पर गैर जरूरी बोझ ना पड़े। पर्दा नशीनों को हिदायत दी जाती है कि हिजाब इस कदर इस्तेमाल हो कि सूरत ढकी रहे लेकिन माथा खुला रहे, जिससे सरकार अवाम के मजाहिब से वाकिफ रहे। अगर जरूरत पेश आई तो उन जानवरों के जिस्म पर भी ऐसी ही इबारतें होंगी जो उनके मालिकान के माथे पे दर्ज हैं। सल्तनत के आलिम फाजिल और साइंस सदा लगे हैं एक ऐसी खोज में कि फलों और सब्जियों के भी मजहब और फिरके तय कर लिए जाएं। अनाजों पर लिखे जाएं मजाहिब उन सभी के जो इनके वजूद के जिम्मेदार हैं। दरख्तों और परिंदों को भी एक रोज इनमें शामिल करने की तजवीज है। सल्तनत अवाम की शख्सियत पर किसी पर्देदारी के खिलाफ है। इस सल्तनत में जो भी है जैसा भी है एकदम साफ है। सल्तनत बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी शख्स का मजहब गैर मजहबी हरकतों से नापाक हो। अवाम के अखलाक और उसकी जन्नत की फिक्र जितनी इस सुल्तान को है इंसानियत के किसी दौर में किसी को भी नहीं रही। जिस्म तो फानी है एक रोज दफन हो जाना है, असल चीज तो है मजहब और इतनी अहम शय के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जहां ऊपर वाले के मुफ्त में दिए गए पानी हवा और मिट्टी तक की कीमत चुकानी पड़ती है तो पाक मजहब के लिए क्यों नहीं। धन्यवाद।